हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फज्जी चॉकलेट ब्राउनी। फज्जी चॉकलेट ब्राउनी ये बहुत अच्छी रेसिपी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट हमें लगने वाले हैं वो देख लेते हैं। डार्क चॉकलेट का स्लैब लिया है 200 ग्राम का। 3 हमने अंडे लिए हैं। 115 ग्राम हमने बटर लिया है। 1/4 कप हमने कोको पाउडर लिया है। 1/2 कप हमने ऑल पर्पज फ्लावर मैदा लिया है। 1.5 कप हमने पाउडर शुगर ली है। 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून हम वैनिला एसेंस लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं फजी चॉकलेट ब्राउनी। ये हमने केक टिन लिया है, इसको पहले हम ग्रीस कर लेते हैं। इसमें हमने ये बटर पेपर कट करके लिया है, अंदर डाल देते हैं। और इस साइड एक बटर पेपर हम ये साइड से भी डाल देंगे। इसे हम तैयार करके रखते हैं इस साइड में। ये हमने गैस पे एक बर्तन रख लिया है जिसमें पानी डाल के उसे बॉईल कर लिया है। ये हमने 200 ग्राम चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। ये अभी हम इसके ऊपर रखेंगे। ये डबल बॉयलर मेथड से हम इसे मेल्ट करेंगे और इसके साथ में ही हम इसमें बटर डालेंगे। ये 115 ग्राम हमने बटर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं और दोनों को एक साथ ही मेल्ट होने देते हैं। धीरे धीरे मेल्ट होगा चॉकलेट हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चॉकलेट और बटर का मिक्सचर पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। और अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे साइड में रखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम बैटर तैयार कर लेते हैं। ये 1.5 कप शुगर हमने लिया है, पाउडर शुगर, ये इसमें डाल देते हैं। ये एक एक करके 3 अंडे हम इसमें ऐड करेंगे। ये दूसरा अंडा हम डाल देते हैं। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और ये तीसरा अंडा भी हम इसमें डाल देते हैं। अभी मैं इसे विस्कर से विस्क करके लिए शुगर को पिघलने का हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे। ये हमारा अंडे का और शुगर का मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। अभी हम ये नमक इसमें ऐड करते हैं और 1 टीस्पून हम वैनिला एसेंस डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो चॉकलेट और बटर का मिक्सचर है ये हम अभी इसमें ऐड करते हैं।
ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम धीरे धीरे करके मैदा, हाफ कप हमने मैदा लिया है और 1/4 कप हमने कोको पाउडर लिया है। ये इसमें कटफोल्ड मेथड से मिक्स कर लेते हैं। कटफोल्ड मेथड से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कीजिए, इस तरह आपका भी होना चाहिए बैटर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर हम इसमें डाल लेते हैं। हम इसे थोड़ा सा टैप करके लेंगे और प्री हीटेड ओवन में मैं इसे 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फजी चॉकलेट ब्राउनी बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, मैं इसे आपको काट के भी दिखाने वाली हूँ। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितना फजी है, ये कैसा बाहर निकल रहा है चॉकलेट हमारा। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।